हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अभय मुद्रा ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। लेकिन चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को टेस्ट नहीं पहुंचे सर, मुझे बोलने नहीं। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का, ये सब हिंदू है यहाँ पे, ये सब हिंदू है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता आज पहली बार इस सदन को संबोधित कर रहे हैं। मैं दो नियम, रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है, शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीट करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। दूसरा अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है, मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग अ मोटिव टू और ए क्वेश्चनिंग द बोनाफाइडी। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोनाफाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है, सदस्यों पे तो लगाया ही है। माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, नो आप डिबेट में गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा करकर इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं
वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं।